तो हार्दिक पांड्या के ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हार्दिक पांड्या का भी अभी ट्रेड हुआ 15 करोड़ में, गुजरात टाइटन्स को छोड़ दिया है और मुंबई इंडियंस में चले गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैसों का खेल है। लोग भली बोल रहे हैं वो पैसों के लिए बिक गया, लेकिन भाई यहाँ तो बोरियां लग रही हैं। अगर कोई पैसों के खेल में पैसों के लिए कहीं और चला गया तो क्या हर्ज है? डेफिनेटली कोई हर्ज नहीं है भाई, पैसा कमा रहा है, कमाना चाहता है। लेकिन दिक्कत वहां आ जाती है जहां वो ये कहता है कि बैक इन होम, कि अब वो घर वापसी कर रहा है। ये सबसे ज्यादा अजीब बात है यार, घर वापसी किस बात की भाई? ये सर्कस लगा हुआ है, कभी टेंट इधर लग रहा है, कभी उधर लग रहा है, और सारे जानवर जाके नाच रहे हैं, इधर से उधर पैसा मिल रहा है। तो इसको घर वापसी मत बोलो यार। एटलीस्ट हार्दिक पांड्या कह रहे हैं कि मुझे मुंबई इंडियंस मेरा घर है, मैं वहां जा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सच कहूँ ना तो हार्दिक पांड्या पर बैन लग सकता है, जो उन्होंने हरकत की है ना उन पर बैन लग सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि भाई घर तो उस बंदे का गुजरात हुआ ना, गुजरात से वो बिलोंग करता है। गुजरात ने जैसी ही टीम बनाई वैसे ही हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया। बताओ यार कितनी ज्यादा रिस्पेक्टफुल बात है ये। ऐसा भी नहीं था कि गुजरात भी 10 साल से आईपीएल खेल रही है और अब तक उसको कोई जितवा नहीं पाया, तो उसने हार्दिक पांड्या को बनाया, हार्दिक पांड्या ने जितवाया। हकीकत ये, अगर हार्दिक पांड्या ने जितवाया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, डेफिनेटली गुजरात को बहुत ऊपर तक लेकर गया। लेकिन यार गुजरात ने भी तो सबसे पहले उसको कैप्टन के तौर पर रखा। गुजरात में वो गया था कैप्टन बनने के लिए मुंबई इंडियंस से, उसके लिए भी बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इज्जत दी यार गुजरात। अगर वो उसको घर कह रहा है ना, अगर वो मुंबई इंडियंस को घर कह रहा है, तो गुजरात ठीक उसी परिवार की तरह है जहाँ बंदा बाहर निकलता है, न्यूक्लियर फैमिली बनाता है ना अपनी शादी करके अपने पत्नी और बच्चों के साथ, बिल्कुल उस परिवार की तरह है गुजरात हार्दिक पांडे के लिए। तो हार्दिक पांडे यार यहाँ पे मुझे बहुत थोड़ा धोखेबाज सा बंदा लगा। और मैं आपको बता दूँ, बंदा बैन हो सकता है, डेफिनेटली बैन हो सकता है। जो उसने काम किया ना वो बैन ही हो जाता अब तक, लेकिन भैया मतलब 1 साल के लिए। लेकिन भैया अंबानी का हाथ है ना भाई के हाथ पे, भाई के सर पे। अब यहाँ पे सीन भाई यही है कि जडेजा ने भी ये गलती की थी। अगर किसी का ट्रेड होता है, अगर ट्रांसफर होता है किसी प्लेयर का, तो फ्रेंचाइजी टू फ्रेंचाइजी बात होती है, कभी भी प्लेयर नेगोशिएट नहीं करता। जडेजा ने नेगोशिएट किया था और इनिशिएट और नेगोशिएट किया था, बाद में फ्रेंचाइजी को पता चला, जिस वजह से उसको वायलेशन करने के लिए आईपीएल में 1 साल के लिए बैन कर दिया था। और हार्दिक पांड्या में हार्दिक पांड्या ने खुद ही बोल दिया कि मैं जाना चाहता हूँ, और इनिशिएट किया हार्दिक पांड्या ने खुद बोला कि मैं मुंबई इंडियंस में जाना चाहता हूँ। कि गुजरात टाइटन्स की तरफ से जो ऑफिशियल है वहाँ से पता चल रहा है कि हार्दिक पांड्या ने शुरुआत की थी, जो बिल्कुल गलत है। पहले ऊपर से फ्रेंचाइजीज बात करती हैं, लेकिन यहाँ पे गुजरात टाइटन्स बिल्कुल भी इस पे एलिगेशन नहीं लगाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो ट्रांसफर हुआ है ना मुंबई इंडियंस की तरफ से, भाई ऊपर से तो जो दिख रहा है 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ जो हुआ हुआ, ये भाई अंबानी ने तो घर भर दिया होगा। जितना हाल अंबानी को अगर कुछ चाहिए तो भाई उसे तो कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये भाई पैसे का पूरा खेल हुआ है। अब यहाँ पे हार्दिक पांड्या बस ज़्यादा चिकना चुपड़ा ना बने, थोड़ा हरामी बनाए, लेकिन हाँ चलो पैसे का खेल है भाई, नाच रहे हैं, जहाँ जो पैसा फेंके वहाँ नाचना, यहाँ तो कोई हर्ज नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। पैसों का खेल है, जहाँ जाना है वहाँ जाएँ, लेकिन ये ना बोले कि घर वापसी, हकीकत में तो घर अब छोड़ के जा रहा है भाई ये।